मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मुंबई आगरा हाईवे पर एक निजी यात्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर सहित 3 गंभीर घायलों को धार जिले के धामनोद रेफर किया गया। वहीं खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाने के खलटाका पुलिस चौकी के पास खलगाट नर्मदा पुल पर आगे चल रहे ट्रक से हंस ट्रेवल्स की बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। बड़ा हादसा टल गया, हालांकि बस ड्राइवर के पैर कट गए। 3 गंभीर घायल को धामनोद रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री बस सोलापुर महाराष्ट्र से इंदौर की ओर जा रही थी। सूचना मिलते ही बलकवाड़ा TI रामेश्वर ठाकुर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और लोगों की सहायता के बाद घायलों को फिलहाल धार जिले के धामनोद अस्पताल भेजा गया है। बस में 52 सवारी सवार थी, कोई जनहानि नहीं हुई है। बस ड्राइवर के पैर कटे हैं। TI रामेश्वर ठाकुर द्वारा बताया गया है कि घायलों को धामनोद उपचार के लिए भेज दिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे चल रहे ट्रक से बस की भिड़ंत हुई है। बस ट्रक को घटनास्थल से हटाकर मुंबई आगरा हाईवे का यातायात सुचारू चल रहा है। घटना कैसे, क्या घटी, क्या कुछ मामला है? पूजा करके आ रहा था मैं। अच्छा, जो बस ही जो हंस ट्रेवल से की है, हाँ, बॉम्बे से इंदौर जा रही थी। अच्छा, ओवरटेक करने में ट्रक को उन्होंने मारी। अच्छा, पुल से नीचे गिरते गिरते बची। कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ? 9 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर का पैर कट गया है। अच्छा, और एम्बुलेंस को फोन लगाए, एम्बुलेंस तो आई है, सबको धामनोद हॉस्पिटल में एडमिट किया। आपका नाम? मोहन डंडर पाटीदार, खलगाट। बस हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? सोलापुर महाराष्ट्र से इंदौर के लिए चलती है बस। अभी अभी ट्रक को पीछे से एक्सीडेंट किया है और ट्रक में बैठी सवारी करीबन 15 से 20 सवारी को चोट आए, जिसमें 3 लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें हैं और ड्राइवर का को अधिक चोट है, उसका पैर कट गया है, जिसे अभी तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से धामनोद हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है और ट्रैफिक खुलवा दिया है। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये सोलापुर से इंदौर की ओर जा रही थी। कितने यात्री सवार थे इसमें? इसमें करीबन 52 यात्री सवार होंगे। आपका नाम? TI रामेश्वर ठाकुर, बलकवाड़ा। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।